हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक इमेज के पीछे वो इफेक्ट देना सीखेंगे। ये लास्ट एंड फाइनल पार्ट है वो इफेक्ट के बारे में। इससे पहले भी हमारे दो पार्ट आ चुके हैं। सबसे पहले पार्ट में हमने सीखा था कि हम एक वो इफेक्ट कैसे बना सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमने सीखा था कि एक टेक्स्ट को वो इफेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लास्ट एंड फाइनल पार्ट है जिसमें हम सीखेंगे कि एक इमेज के पीछे वो इफेक्ट कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी एक इमेज ले लेते हैं। तो ये भी हमारी इमेज, ओके, इसको अनलॉक करते हैं। अब सेकंड जो हमें इसमें वो इफेक्ट देना है वो हम लेके आते हैं। ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया, आपको इसकी लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में चाहिए हो तो मैं आपको दे दूंगा, और बनाना मैंने आपको सिखाई दिया है, ओके। तो ये बुक इफेक्ट है, इसको टिक कर देते हैं। अब मेन काम आपको जो यहाँ पे करना है वो आपको करना है फ्लो एंड ओपेसिटी के संग आपको सारा वर्क करना है। तो ये था आपका ओपेसिटी, ओके, इसको आपको मेंटेन रखना है। और सेकंड है आपका फ्लो, इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि ओपेसिटी और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको किसी इमेज के अंदर के जो फिल कलर है उनको कम करना है तो आप फ्लो को यूज करते हैं, लेकिन आपको ऑल ओवर इमेज की ओपेसिटी, ऑल ओवर इमेज का फ्लो और ओपेसिटी दोनों साथ में कम करना है तो आप ओपेसिटी को यूज करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको करेंगे नहीं, ओके। और अगर आपका नहीं हो तो आप यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लेयर मास्क लगाओगे। उससे पहले आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे यूज करने होंगे ब्लेंड मोड। आप यहाँ पे यूज करोगे लाइट या फिर स्क्रीन में से कोई एक, जो आपको अपनी इमेज के हिसाब से अच्छा लग रहा हो वो आप यूज करोगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन का यूज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें यहाँ पे लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था, और फिर आप ब्रश के ऊपर क्लिक करोगे। शॉर्टकट की है बी, ब्रश आप ले लोगे। तो आपको याद होगा हमने यहाँ पे ब्रश सेटिंग्स में जाके सारी सेटिंग्स चेंज करी थी। आप इनको वापस नॉर्मल कर दोगे, आप रीसेट कर दोगे। तो आप ब्रश में जाओगे, यहाँ पे जो मैंने ब्रश यूज किया है उसका नाम है सॉफ्ट राउंड ब्रश। यहाँ पे आपकी हार्डनेस है 0 और आपका जो स्पेसिंग है वो भी 0 है। आप चाहते हो इसको अनचेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो ना, और इसको हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने ओपेसिटी रखी है वो है 52 और जो मेरा फ्लो है वो है 32। अब आप इसको कुछ इस तरह हटाओगे। आपको बार बार ब्रश यूज करना होगा जब तक आपको आपका मनचाहा इफेक्ट नहीं मिल जाता। जैसे आपको लगे कि इफेक्ट सही है तो आप यहाँ पे ब्रश यूज करना बंद कर दोगे। जैसे इसकी फेस पे पूरा हटा दूंगा मैं। एक्स किया मैंने यहाँ पे कलर स्विच करने के लिए, ज्यादा हट गया, उसको वापस ला रहा हूँ मैं। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि लेयर मास्क कैसे वर्क करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके जल्दी जल्दी देख लेना, जिससे आपको यूज करने में आसानी होगी। अब फाइनल क्या करना है, जैसे कि हमारे ये इफेक्ट आ चुका है, अब क्या करना है, हमें इसमें दे देंगे हम ब्लर। तो हम जाएंगे फिल्टर में, फिर जाएंगे ब्लर में, और यहाँ पे हम यूज करेंगे गाउसियन ब्लर का। इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अनचेक करेंगे, पहले हम अपनी इमेज पे जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करते हुए फिल्टर में, ब्लर में, गाउसियन ब्लर, और फिर आप यहाँ पे इसको ब्लर दे दोगे। मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट का दिया है, आप चाहो तो जितना आपको अपनी इमेज के हिसाब से अच्छा लग रहा हो आप वैसा आप दे दोगे। वापस हम अपने लेयर में जाएंगे और कुछ यहाँ पे इसको हटा देंगे। अब नेक्स्ट काम आप क्या करोगे, आप जाओगे एडजस्टमेंट्स में, यहाँ पे आप यूज करोगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का, और यहाँ पे आप इसकी ब्राइटनेस चेंज करके देखोगे, ओके। पीछे के बैकग्राउंड की ब्राइटनेस चेंज करनी है हमें, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा और ध्यान दिखाने के लिए, ओके कर दोगे। आप यहाँ पे कर्व का, लेवल्स का भी यूज कर सकते हो, आपको अपनी इमेज के हिसाब से देखना होगा। यहाँ पे मैंने ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का यूज किया है। यहाँ पे थोड़े और चेंजेस कर देंगे, ये थोड़ा फेक लग रहा है, इसको हटा देंगे हम। एक्सप्रेस किया मैंने कुछ इफेक्ट वापस लाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक जरूर करें, और कमेंट आप नहीं करते हो कमेंट करें, मुझे बताएं कि मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है, आपको अगला कौन सा टूल सीखना है। और हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।